नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल कामत सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन जिमखाना में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे नॉर्मल प्यूबर्टी के बारे में। सो नॉर्मल प्यूबर्टी क्या होता है, उसके साइंस क्या होते हैं और किस एज पे होती है। सो प्यूबर्टी दोनों लड़कों में और लड़कियों में होती है, अलग अलग एज पे होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के एज में, उनके प्यूबर्टल डेवलपमेंट में। इन बॉयज, लड़कों में प्यूबर्टी अराउंड 9 के आसपास शुरू होती है। इट कैन एक्सटेंड एनीवेयर बिटवीन 9 इयर्स टू 14 इयर्स। एंड लड़कियों में 8 साल में जनरली शुरू होती है और 8 से लेके 13 तक ये प्यूबर्टी चलती है। सो यूजुअली क्या साइंस होते हैं प्यूबर्टी के, कैसे पता चलता है कि आपका बच्चा या बच्ची प्यूबर्टी में एंटर कर रहे हैं। सो लड़कियों में हाइट स्पर्ट होने लगती है, कि सडनली आपकी बच्ची की हाइट बढ़ने लगेगी, स्पर्ट होने लगेगा। उसके बाद हेयर डेवलपमेंट होती है, जैसे प्यूबिक एरिया में, प्यूबिक हेयर या आपके आर्मपिट्स में हेयर डेवलपमेंट शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होती है, जो स्लोली स्मॉल बर्ड से लेके शुरू होके नॉर्मल अडल्ट ब्रेस्ट तक डेवलप होती है। एंड इवेंचुअली लास्ट स्टेज होता है पीरियड्स का आना। सो ये सारे फेज स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 8 इयर्स ऑफ एज 13 तक होती है। कोई डेवलपमेंट 8 इयर्स से पहले शुरू हो जाए तो उसको हम अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। और अगर कोई भी डेवलपमेंटल साइंस प्यूबर्टी के 13 के बाद ना देखे जाए तो उसको हम लेट या डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। सिमिलरली लड़कों में क्या साइंस होती है, कैसे पता चलेगा कि आपके लड़के की प्यूबर्टी शुरू हो रही है। सो जैसे लड़कियों में हाइट स्पर्ट होती है, तो लड़कों में सबसे पहले उनका टेस्टिकुलर साइज या टेस्टिस का जो साइज है वो बढ़ता है। सो टेस्टिस साइज बढ़ना, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन अ बॉय। उसके बाद धीरे धीरे प्यूबिक हेयर और आर्मपिट में हेयर डेवलप होना शुरू होते हैं, फेशियल हेयर डेवलप होना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे उनका शुरू होता है हाइट स्पर्ट, और ये उनके प्यूबर्टल फीचर्स होते हैं। इसके अलावा वॉइस का चेंज होना, बॉडी का थोड़ा सा मस्कुलर होना, हाइट बढ़ना, ये सारे साइंस होते हैं लड़कों में प्यूबर्टल डेवलपमेंट के। और टूवर्ड्स दी एंड उनका जो पीनिस होता है या लिंग होता है उसका साइज बढ़ता है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है अराउंड शुरू होता है या बढ़ने लगता है फ्रॉम द एज ऑफ 9 इयर्स टू द एज ऑफ 14 इयर्स। सो इसके बीच प्यूबर्टल डेवलपमेंट शुरू होती है, धीरे 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 बढ़ के बच्चे को प्यूबर्टी हो जाती है। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग नॉर्मल प्यूबर्टी, प्लीज डू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन और आस्क योर क्वेरीज, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट सह्याद्री हॉस्पिटल। थैंक यू।